नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 सबसे बड़े डैम्स के बारे में। भारत के सबसे बड़े डैम कौन से हैं, कहां पर स्थित हैं और ये कितने विशाल हैं, ये सब कुछ जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इन डैमों में कितना जल भरा हुआ है और कितनी बिजली ये बनाते हैं। यहाँ पर हम उन डैम्स की बात करेंगे जिनका उपयोग बिजली बनाने में होता है। भारत में कई ऐसे डैम भी हैं जिनका उपयोग केवल सिंचाई और मछली पालन के लिए होता है, लेकिन हम बात करेंगे उन डैमों की जिनका उपयोग बिजली बनाने के लिए भी होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं भारत के 10 सबसे बड़े डैम्स को। इसमें 10वें नंबर पर आता है कृष्णा सागर डैम। जो एक कृष्णा सागर डैम है, ये स्थित है कर्नाटक में। इस डैम का निर्माण 1932 में किया गया था, जो कि कर्नाटक में बिजली और सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण डैम है। ये डैम कावेरी नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, जबकि अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 2620 मीटर है। इसके बाद 9वें स्थान पर आता है मैतूर डैम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मैतूर डैम तमिलनाडु का सबसे बड़ा डैम है, जिसे 1934 में बनाया गया था। ये डैम कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 65 मीटर और लंबाई 1700 मीटर है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है रिहंद डैम। जो ये रिहंद डैम है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में और इस डैम को गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहा जाता है। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा डैम है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों को भी फायदा होता है। ये डैम रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो 91 मीटर है, जबकि लंबाई 935 मीटर है। यहाँ से जो कुल बिजली का उत्पादन होता है वो 300 मेगावाट का होता है। इसके बाद अगले नंबर पर है इंदिरा सागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम की नींव 1984 में इंदिरा गांधी ने रखी थी। ये डैम बिजली बनाने के साथ साथ सिंचाई और पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये डैम नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 92 मीटर है, और अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 653 मीटर है, और ये डैम 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है कोयना डैम। जो एक कोयना डैम है, ये स्थित है महाराष्ट्र में, और ये कोयना डैम का निर्माण 1963 में हुआ था और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। ये स्थित है कोयना नदी पर और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 103.2 मीटर है, जबकि लंबाई 807 मीटर है, और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट की है। इसके बाद 5वें स्थान पर आता है नागार्जुन सागर डैम, जो कि तेलंगाना में है। ये डैम भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण और मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ डैम है। इस डैम को बनाने के लिए नींव 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये डैम कृष्णा नदी पर बना है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 124 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई 1550 मीटर है, और अगर बात की जाए इसकी बिजली उत्पादन की तो ये 816 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है। इसके बाद 4वें स्थान पर आता है हीराकुंड डैम। ये जो हीराकुंड डैम है, ये स्थित है उड़ीसा में, और ये डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। इसका जो मुख्य बांध है उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, जबकि इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डैम की लंबाई कितनी ज़्यादा है, इसीलिए ये भारत का सबसे लंबा डैम है। इसका जलाशय भी बहुत ज़्यादा विशाल है। इसका जलाशय 55 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो ये डैम है हीराकुंड, ये महानदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 61 मीटर है, जबकि लंबाई 4.8 किलोमीटर है, और अगर इसके बिजली उत्पादन की बात की जाए तो इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 350 मेगावाट की है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम गुजरात का एक बड़ा डैम है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चारों राज्यों को लाभ पहुंचाता है। ये डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 163 मीटर है, जबकि लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1210 मीटर है, और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट की है। ये डैम गुजरात के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डैम है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है भाखड़ा नांगल डैम। ये जो भाखड़ा नांगल डैम है, ये स्थित है हिमाचल में।
ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। इसके जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। इस डैम से हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को फायदा मिलता है। और जो ये डैम है, भाखड़ा नांगल डैम, ये सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है, जबकि लंबाई 520 मीटर है। और बात की जाए इसकी बिजली उत्पादन की, तो इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट की है। इसके बाद पहले नंबर पर आता है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसके पहले चरण का उत्पादन 2006 से शुरू हुआ था और इसका जलाशय भी काफ़ी विशाल है। इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो ये टिहरी डैम है, ये भागीरथी नदी पर बना है और इसकी कुल ऊंचाई 261 मीटर है और ये इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 575 मीटर है और इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो इससे 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होनी है, लेकिन अभी फिलहाल इसके पहले चरण का काम ही स्टार्ट हुआ है, जिससे 1000 मेगावाट की बिजली फिलहाल उत्पन्न की जा रही है, लेकिन जल्द ही इससे 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। और अगर इसकी जल धारण क्षमता की बात की जाए तो इसकी जो टोटल जल धारण क्षमता है वो 354 करोड़ घन मीटर की है, यानी काफ़ी बड़े एरिया में इसका जल एकत्रित है। तो ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े डैम। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।